हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूरोपियन फंडा चैनल पर। और आज जो है हम एक टॉप 10 सीरीज लाए हैं, जिसमें जो है विश्व के जो 10 सबसे बड़े डिजास्ट्रस पेंडेमिक्स रहे हैं, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जिस महामारी में मरे या जो सबसे दर्दनाक रहा है विश्व के इतिहास में, उनके बारे में जो है हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और यह एक टॉप 10 सीरीज होगी, जिसमें हम काउंटडाउन जो है हिस्ट्री के बेसिस पे करेंगे, ना कि इस आधार पे करेंगे कि कौन नंबर 10 पे है। क्योंकि लोग तो हर पेंडेमिक्स में ख़त्म होते हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल बेसिस पे जो है, मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू करने का प्रयास करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि किस पेंडेमिक्स में कितने लोग हताहत हुए, और यह कब हुआ था और किस जगह पर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले के पेंडेमिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी महामारी के बारे में बात करेंगे, वो है एंटोनाइन प्लेग, जो कि 165 एडी में हुआ था। यानी कि एनो डोमिनी जब शताब्दी की स्टार्टिंग हुई, तो 165 जब ईस्वी थी, तब ये हुआ था, जिसमें डेथ टोल यानी कि जो जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी वो 5 मिलियन थी। 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 10 लाख, वो 50 लाख। कारण जो था, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण के जो है स्रोत नहीं मिले। इसे प्लेग ऑफ गैलन के रूप में भी जाना जाता है। एंटोनिन प्लेग एक प्राचीन महामारी थी, जो एशिया माइनर, मिस्र, ग्रीस और इटली को प्रभावित करती थी। यानी कि जो मेडिटेरेनियन से लगे हुए उस टाइम के जो सबसे बड़े साम्राज्य थे, वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए। माना जाता है कि या तो यह चेचक हुआ था या खसरा हुआ था। ये वो दौर था जब इसका ना तो कोई वैक्सीन था, ना कोई दवाएं थी, और इसमें जब व्यक्ति मरते थे, तो इसके बारे में, चेचक और खसरा के बारे में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मतलब मृत्यु शुरू होती थी, तो राज्य का राज जो है, जैसे बोलते हैं ना कि बिछ जाते हैं ना, बारिश होती है तो गेहूं और धान के खेत बिछ जाते हैं, वैसी हालत होती है। यह अज्ञात बीमारी जो है मेसोपोटामिया से 165 एडी के आसपास लौटने वाले सैनिकों द्वारा रोम में वापस लाई गई थी। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति दूसरी जगह पे जाके वहाँ की इम्यूनिटी जो होती थी, जब उसको जो है वैरी नहीं कर पाता था और उसके ऊपर वो बीमारी हावी हो जाती थी, और वही व्यक्ति जब वापस आता था, तो वहाँ के लोगों में यह जो है महामारी फैल जाती थी, और लगातार जो है अनजाने में लोग मरते चले जाते थे, और जिससे 5 मिलियन से अधिक लोगों की हत्या जो है रोमन सेना को जो है इन्होंने उल्टा ही ख़त्म कर दिया। मतलब कि ये गए थे दूसरी जगह वॉर करने, और वहाँ से आए तो खुद बीमारी के साथ आए, और उस महामारी से जो है ये लोग अपने में ही इनके लोग ख़त्म हो गए। ये जो है जिसे कहा जाता है एंटोनाइन प्लेग, 165 एडी में यह हुआ था। अगला जो है वो है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो 541 ईस्वी से 542 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका डेथ टोल था, जिसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, वो 25 मिलियन लोग हुए थे। कारण इसका था बुबोनिक प्लेन। जस्टिनियन का जो प्लेग, बुबोनिक प्लेग का प्रकोप था। ये बुबोनिक जो है एक टाइप का प्लेग होता है, जिसमें लोग जो है लगातार बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है हताहत हुए और मारे गए, जिसने बेजेंटाइन साम्राज्य जो था भूमध्य सागरी बंदरगाह शहरों को पीड़ित किया। इसके आतंक की वजह से लगभग 25 मिलियन लोग मारे गए थे। आमतौर पर बुबोनिक प्लेग की पहली दर्ज की गई घटना के रूप में माना जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो यह पहली जो है रजिस्टर्ड जो है पेंडेमिक की घटना है, यानी कि महामारी की घटना है। जस्टिनियन के जो प्लेग ने दुनिया भर पर अपनी छाप छोड़ी थी, पूर्वी भूमध्य सागरीय आबादी की 1/4 तक, मतलब इससे लोग ख़त्म हो गए थे। कॉन्स्टेंटाइन पोल जो है, जिसे आज के टाइम में कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है, शहर को तबाह कर दिया था, जहाँ इसकी ऊंचाई पर यह एक हत्या कर रहा था। अनुमानित 5,000 लोग पर डे और ख़त्म हो रहे थे, यानी कि एक दिन का जो एवरेज था। और अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, सबसे जो हाईएस्ट लोगों की जो दुखद जो मृत्यु हुई है वो है इटली में हुई है, 3,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, अभी ये आज के दिन की रिपोर्ट है। और जो ये जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की वजह से लगभग 40% जो आबादी थी शहर की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। द ब्लैक डेथ जो 1346 से 1353 के बीच में हुई थी, इसका जो डेथ टोल था 75 से 200 मिलियन के बीच में था। इसका कारण यह था कि प्लेग
प्लेग जो होता है, चूहों में रहने वाले जो पिस्सू होते हैं उनसे क्या हुआ कि जो महाद्वीपों के किनारे जो डॉक्स होते हैं, अब जैसे कि दो राज्य हैं, एक राज्य में जो है जंगली चूहे रहते हैं और जंगली चूहों के शरीर पे जो महामारी फैलाने वाले पिस्सू निवास करते हैं, और क्या हुआ दूसरे राज्य के डॉक से जो है जहाज पर वो चूहे बैठ गए और दूसरे राज्य में चले गए और वहाँ पे पिस्सू उन्होंने छोड़ दिए। इससे सिर्फ लोग जो हैं 75 से 200 मिलियन लोग जो हैं मर गए थे। बुबोनिक प्लेग जो है 346 से जो है 353 तक 75 और 200 मिलियन लोगों के बीच अनुमानित मृत्यु के साथ प्लेग ने जो है यूरोप, अफ्रीका और एशिया में तबाही मचाई थी। उस समय प्रमुख शहरी केंद्र होने वाले बंदरगाह जो है चूहों और पिस्सू के लिए एकदम सही प्रजनन स्थल थे, और इस तरह जो है ये जीवाणु पनपते जाते थे और लोगों की मृत्यु जो है संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, और 3 महाद्वीप की जो जनसंख्या थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी द ब्लैक डेथ में। ये बहुत ही हिस्टोरिकल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में। थर्ड कॉलरा पेंडेमिक, जो तीसरा कॉलरा का जो, ये टोटल जो है 6 से 7 जो है कॉलरा के जो है चरण में से, महामारियों के चरण में से जो है ये तीसरा जो है, जो 1852 से 1860 के बीच में हुआ था, जिसका डेथ टोल जो था 1 मिलियन था। कारण था लोगों की मृत्यु होने का हैजा। आमतौर पर जो है हैजा महामारी सबसे घातक माना जाता है। वजह ये होती है कि अगर इसकी सही टाइम पे दवा नहीं हुई तो ये एकदम डेडली हो जाता है और लोग इससे बच नहीं सकते। पहले और दूसरे महामारी की तरह भारत में उत्पन्न होने वाले तीसरा हैजा, ये भी इंडिया में हुआ था। पहला और दूसरा भी हुआ था जो कॉलरा का, वो भी इंडिया में हुआ था, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका के माध्यम से, और 1 लाख से अधिक लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया था इसने, 1 मिलियन से ज़्यादा। ब्रिटिश के चिकित्सक थे जॉन स्नो, उन्होंने लंदन के गरीब इलाके में काम कर रहे हैजा के मामलों पर नज़र रखी और तब बीमारी प्रसारण के साधन में जो है दूषित पानी, जो डॉक्टर जो जॉन स्नो थे उन्होंने ये खोज की कि जो हैजा होता है उसके फैलने की वजह क्या है, तो वो थी दूषित पानी, यानी कि पोल्यूटेड वाटर। लेकिन जिस साल उन्होंने खोज की 1854 में, वही बार जो है ये महामारी घटित हो गई, जिससे 23,000 लोगों की मौत तो है एक दिन में ही हो गई। अगला जो पैंडेमिक है महामारी है वो है हमारा फ्लू, फ्लू पैंडेमिक जो 1889 से 1890 के बीच में हुआ था, जिसमें 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी और कारण इसका था इन्फ्लुएंजा, मूल रूप से एशियाई फ्लू या रशियन फ्लू जैसा किसे कहा जाता है। इस तनाव को इन्फ्लुएंजा ए वायरस के उपचार H2N2 का प्रकोप माना जाता था। हालांकि हालिया खोजों ने इसके बजाय इन्फ्लुएंजा के वायरस को उपक्रम जो है H3N8 होने का कारण बताया है, जो कि फ्लू पेंडेमिक की वजह है। पहले मामलों को मई 1989 में 3 अलग अलग दूर के स्थानों में देखा गया था, मध्य एशिया में बुखारा जो है जो तुर्किस्तान में है, उत्तर पश्चिमी कनाडा में तथा अथाबास्का और ग्रीनलैंड में देखा गया था। 19वीं शताब्दी की तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, केवल फ्लू फैलने में और लंबे समय से पहले इसका प्रकोप दुनिया भर में फैल गया था और जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि यह जीवाणु विज्ञान के युग में पहला सच्चा महामारी था, यानी कि जो साइंटिफिक तौर पे जो प्रूव्ड जो होता है महामारी, जो वायरस बेस्ड जो होता है, वो पहला यही था जो 1889 में हुआ था। और इससे बहुत कुछ सीखा गया और आगे की पॉलिसी इस तरीके की बनाई गई कि ये दोबारा ये घटना जो है रिपीट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु ना हो। अंत में 1889 और 1890 में फ्लू महामारी ने 1 लाख से अधिक व्यक्तियों के जीवन का दांव खेल लिया, यानी कि उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलरा की घटना है, 6th कॉलरा जो पेंडेमिक जो हुआ था, जो छठवा जो कॉलरा की महामारी की घटना हुई थी 1910 से 1911 के बीच में। ये एक्यूरेट वही टाइम है जब भारत में कलकत्ता से दिल्ली को नई राजधानी बनाई गई थी और जो है इंग्लैंड के किंग और क्वीन जो है यहाँ पे राज दरबार में आए हुए थे, और वहीं पे जो है 80 लाख से ज़्यादा लोग जो है जो वेस्ट बंगाल में, जिनकी 80 लाख से ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल के इलाके में जिन लोगों की डेथ हो गई थी हैजा से। अपने 5 पिछले अवतारों की तरह छठवा जो कालरा का जो महामारी की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जहाँ यह मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस में फैलने से पहले 80,000 से ज़्यादा लोग इससे मारे जा चुके थे। छठी हैजा महामारी जो थी वो 1910 से 1911 के बीच में जो है, इसका प्रभाव जो अमेरिका में भी रहा है।
अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों अतीत से सीखे और जल्दी जल्दी उसको जो है अलग थलग करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसमें बेहतर से काम नहीं हो सका। इस वजह से जो है 80,000 से ज़्यादा लोग तक जो है इसमें जो है ख़त्म हुए, और यह घटना जो है 1923 तक चलती रही। 1911 में शुरू हुई, 1911-23 में जो नाटकीय तरीके से धीमे धीमे जो है इसकी संख्या कम हुई। फ्लू पेंडेमिक जो है, फ्लू जो महामारी है 1918 की, जिसका जो डोर तेल था जिसमें 20 से 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और कारण था इन्फ्लुएंजा। 1918-1920 के बाद दुनिया में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 20 से 50 मिलियन लोगों की इसमें मृत्यु हुई। 1918 की महामारी में संक्रमित 500 मिलियन लोगों में मृत्यु दर जो है 10 से 20% तक जो है एक्सपेक्टेड था, अनुमानित था। यानी कि 500 मिलियन लोग बीमार थे और जो 10 से 20% तक अनुमानित था जिनकी मृत्यु हुई, 25 हफ्तों में केवल 25 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी 1918 वाले फ्लू पेंडेमिक में। 1918 फ्लू महामारी को अन्य इन्फ्लुएंजा के प्रकोपों से अलग करने वाले पीड़ित थे। नया इन्फ्लुएंजा हमेशा पहले केवल किशोर और बुजुर्गों या पहले से ही कमजोर रोगियों को मारता था, और आने वाले टाइम में जो है इससे जो है जो यंग लोग थे वो भी प्रभावित हुए फ्लू पेंडेमिक से जो 1918 में आया था। ये मैप जो देख रहे हैं ये विश्व का है, और इसमें जो है एशियन फ्लू के बारे में बात करेंगे। 1956 से 1958 के बीच में जो है इसमें 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, यह भी इन्फ्लुएंजा से ही फैला था। एशियाई फ्लू जो H2N2 जो था उसके तहत जो है इस महामारी का फैलाव हुआ था, और 1956 से 1958 तक ये चला था। अपने 2 साल के अंतराल में एशियाई फ्लू चीनी प्रांत जो गाइजोउ जो था, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त राज्य अमेरिका तक चला गया, और इसमें जो है लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है मौत हुई थी। खाली 69,800 लोग सिर्फ अमेरिका में जो है मौत के ग्रास बन गए थे, यानी कि मृत्यु में चारा बन गया था। फ्लू पेंडेमिक जो है 1968 में हुआ था, जो कि 9वें नंबर पर है, और इसका जो डेथ टोल था जिसमें मृत्यु जो लोगों की हुई थी वो 1 मिलियन थी, और यानी कि 10 लाख थी, और इसका जो वजह था ये भी इन्फ्लुएंजा था। इन्फ्लुएंजा जो है काफ़ी जो है डेडली वायरस है, और एक श्रेणी जो है दो फ्लू महामारी को कभी कभी जो है हांगकांग फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। 13 जुलाई 1968 को हांगकांग में पहली रिपोर्ट के मामले में यह केवल सिंगापुर, वियतनाम में वायरस के प्रकोप से 17 दिन पहले हुआ था, और 3 महीने के भीतर भीतर जो है फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल गया। और इसमें जो है लोगों की जो मृत्यु का परसेंटेज था वो 0.5% था, और इसमें जो है 5 लाख जो है जो 5 लाख सिर्फ लोग खाली हांगकांग से थे इस 1 मिलियन लोग में। उस समय इसकी आबादी लगभग 15% हो गई थी मृत्यु की। HIV/AIDS जो महामारी थी जो सबसे टॉप पे थी ये अपने जो है 2005 से 2012 के बीच में, इसमें जो है 36 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसका वजह था HIV यानी एड्स जो था। पहली बार 1976 में जो कांगो लोकतांत्रिक यानी कि कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है जो अफ्रीका में एक देश है वहां पर ये ग्लोबल लेवल पे ये फैला था, और इसे जो है पैंडेमिक घोषित किया गया था। 1981 के बाद जो है 36 मिलियन से अधिक लोग इसमें मारे गए। वर्तमान में 31 से 35 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे हैं। अभी जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है उनमें से अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में है जहां 5% आबादी संक्रमित है। लगभग 21 मिलियन लोग जो है इससे प्रभावित हैं। जैसा कि जागरूकता बढ़ी है नए उपचार विकसित किए गए हैं जो HIV को अधिक प्रबंधनीय बनाते हैं यानी कि मैनेजरियल कर रहे हैं, और संक्रमित लोगों को कई उत्पादक जीवन जीने के लिए आगे भी बढ़ाते हैं। और इसमें जो लोगों की जो मृत्यु हुई थी वो 36 मिलियन हुई थी, और 2005 से 2012 के बीच HIV/AIDS से होने वाली जो ग्लोबल डेथ रेट है वो है 2.2 मिलियन से 1.6 मिलियन तक, जो कि अब कम हुई है। कई नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इंडिया में भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिससे जो है HIV/AIDS के मामलों को कम किया जा रहा है, जिसे 90:90 कहा जाता है।